सहकारिता मंत्री पहुंचे बरारी, आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया में रैली में पहुंचने के लिए लोगों से की अपील। बरारी कटियार दौरे के क्रम में सहकारिता मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने शुक्रवार को देर शाम प्रखंड के ऐतिहासिक गुरुद्वारा लक्ष्मीपुर में मत्था टेका एवं रौनिया पंचायत के काली मंदिर में पहुंचकर लोगों से रूबरू हुए एवं लोगों की समस्याओं से भी अवगत हुए। वहीं आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने वाले महागठबंधन की रैली में भाग लेने के लिए लोगों से अपील की। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा शिरोपा देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री ने रौनिया में आम लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के ऊपर जमकर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन के द्वारा होने वाली रैली में उपस्थित होने के लिए अपील भी की। इस मौके पर पूर्व विधायक नीरज यादव, मनिहारी के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष कौशल किशोर यादव, उप प्रमुख रैनी कौर, राजद नेता कुंदन यादव, राजद नेता राजन यादव, राजद नेता अमरेंद्र सिंह संजू, राजद प्रखंड अध्यक्ष केदारनाथ सिंह, युवा अध्यक्ष अभिजीत वैद, राजद नेता विश्वनाथ चौधरी, जिला परिषद सदस्य गुणसागर पासवान, मुखिया मोहम्मद इब्राहिम, मुखिया प्रतिनिधि राजीव भारती, राजद नेता भगवान मंडल आदि भी मौजूद थे। महागठबंधन के रैली हो रहा है पूर्णिया 25 तारीख और कटिहार के हम प्रभारी हैं, तो कुछ विभागीय भी काम रखता है और साथ साथ महागठबंधन के रैली की भी तैयारी हो रहा है। इस बार महागठबंधन के जो रैली होने जा रहा है इससे देश की दशा और दिशा तय कर दोनों, और यह रैली जब हो जाएगा तब हमसे पूछिएगा कि आगे के राजनीति का क्या होगा। आगे के राजनीति के अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी रैली बाकी है, 25 तारीख तक मेरी देर है, तो ये महागठबंधन के ताकत दिखलाई पड़ जाएगा विरोधियों को, महाशक्ति। तो जो रैली में उत्साह है लोगों के बीच तो बहुत जोर लगावे की जरूरत नहीं है, लोग से मिलकर सिर्फ चलने के लिए आह्वान कर देना है, उसी आह्वान पर सारे लोग पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसा कभी कभी मौका मिलता है जिसमें बहुत जोर लगावे की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज से जनता उब जाता है तो चाहता है कि हम सरकार को बदल दें। तो भारत सरकार से जनता उब गया है क्योंकि जब चुनाव आता है तो बिहार गरीब राज्य हो जाता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो बिहार अमीर राज्य हो जाता है। चुनाव के पहले आते ही सबके फूल फ्री में राशन किरासन मिलना शुरू हो जाता है, और चुनाव खत्म होते ही सब राशन किरासन बंद कर देता है, और फिर किसी सामान पर सामग्री पर वह भारी से भारी दाम बढ़ा के पैसा वसूल लेता है। वही पैसा को जितने गुजरात के लोग रहने वाले हैं, आज देश में जो 2 गुजरात के बड़े बड़े 3 लीडर बैठे हैं तो दोनों हाथ से लूट रहे हैं। अगर नहीं लूट रहे हैं तो 2000 का नोट कहाँ चला गया, GST के कमाई कहाँ चला गया, ये दोनों हाथ से लोग लूट रहे हैं, देश को कंगाल बना दिए हैं, खोखला बना दिए हैं, और महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा